आपको बेटी की शादी मुबारक हो। आप इसे शादी कहती हैं? आप दिल छोटा ना करें, हम फरिया को बहुत प्यार से रखेंगे। वो तो आपको रखना भी चाहिए, वैसे भी बहुएं ब्याह कर लाने का बड़ा वसीह तजर्बा है आपका। मेरा ख्याल है कि हमें अब चलना चाहिए। अरसलान चलो। नहीं आंटी, आज हम यहीं पे रुकेंगे। एक्चुअली आपके घर में बहुत रश होगा ना, तो कोई प्रिवेसी नहीं होगी, एंड आई थिंक विल बी मोर कंफर्टेबल हियर। लेकिन बेटा ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, आप एक दो दिन के लिए चली चले फिर वापस आ जाइएगा। और वैसे भी आप दोनों ने अब इस घर में ही रहना है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में तो फरिया बिल्कुल ठीक कह रही है, वैसे भी वलीमा करने का तो कोई प्लान नजर नहीं आ रहा आप लोगों का। और बच्चों की फिक्र ना करें, ये दो तीन दिन में घर ही आ जाएंगे। जकिया जकिया भाई खाना लगा दो, मेहमान आए हुए हैं, खाना नहीं खिलाना। मेरी तरफ से तो माजरत, क्योंकि मेरा बीपी सुबह से बहुत हाई है, मैं तो मेडिसिन खा के आराम करूंगी बस। बेटा तुम दोनों भी अपने रूम में जाओ, तुम दोनों का खाना मैं कमरे में ही भिजवा देती हूँ। और अरसलान आपके लिए मैंने स्पेशल फ्लावर अरेंजमेंट कराया है, होप यू लाइक इट। मैं अपने बेटे और अपनी बहू के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने अपने बेटे को यहाँ रुखसत करने के लिए नहीं, बल्कि बहू को यहाँ से लेके जाने के लिए आई। कैसी बातें कर रही हैं आप, अच्छा है ना कि घर पे सारा इंतजाम है। वैसे भी आपका घर बहुत छोटा सा है और इतना ज्यादा रश, मेरी बेटी को इन सारी चीजों की आदत नहीं है। अरसलान और फरिया की फिक्र मत करें, इन दोनों से मैं बात कर चुकी हूँ पहले। जकिया जकिया खाना लगाओ। चले मुझे तो इजाजत दीजिएगा, और फिर हम मिलते जुलते रहेंगे, परेशानी की क्या बात है। चलो बेटा मैं तुम दोनों को कमरे में छोड़ा, आ जाओ। देख के आओ अरसलान बेटा।